Hello, my student. Myself, Pravesh Newton. मैं आप लोग के सामने सेकेंड वीडियो लेकर आया. फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताया था हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल इन फिजिक्स. फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करें. उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट को नमस्कार तथा जो भी हमारे वीडियो स्टूडेंट के माता पिता भाई बहन जो भी देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से प्रणाम. मैं आप लोग के सामने जो सेकंड वीडियो लेकर आया हूं एक टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल टूल्स. मैथमेटिकल टूल्स, व्हाट इज द मैथमेटिकल टूल्स. मैथमेटिकल टूल्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स और टूल्स मीन्स औजार. और इसी को नाम रखे हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स. फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको बहुत सारे बेसिक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तब आपसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बन जाता. कितने स्टूडेंट बोलते हैं सर हमने तो पूरा मैथ भी जानते हैं फिर भी हमसे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नहीं होता है, थ्योरी नहीं बन पाता है. तो मैं आप लोग के लिए इसीलिए सेकेंड वीडियो में हम लेकर आए मैथमेटिकल टूल्स और बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिकल टूल्स का एक ऐसे ट्रिक सॉल्यूशन दूंगा जो आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा. लेकिन इससे पहले मैं जितने भी लोग आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं आपसे सिर्फ एक ही कोशिश करिए आप लोग कि मेरी वीडियो के मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग को भेजें ताकि जितने भी स्टूडेंट अभी लॉकडाउन की वजह से घर पर बैठे हुए उनके पास पहुंचे और खास करके 11th वाले के लिए बहुत फायदे की चीज है. जब वो आएंगे क्लास में तो पता चल जाए कि कितना मुझे मैथमेटिकल टूल्स, तो अभी घर पर बैठकर आराम से देख सकते हैं. इसीलिए आप लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा उस स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो स्टूडेंट को अभी तक पता नहीं है कि शायद प्रवेश सर का भी लाइव क्लास आ रहा है. तो सभी को बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सीरीज बाय सीरीज बनवाए हुए जितने भी वीडियो हम लाएंगे आपको तक पहुंचाते रहेंगे. मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स. देयर आर मेनली 5 टाइप्स. मैथमेटिकल टूल्स 5 तरह के होते हैं. कुछ कुछ इसका टॉपिक ऐसे भी है जो आपने 10th में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं. अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने अभी तक 11th में 10 के बाद आपने नहीं पढ़े. तो जो बेसिक बातें हैं आज बहुत सारे बेसिक आपके साथ मैं बातें करूंगा और मैं बोलूंगा जो आपको पढ़ा हुआ वो चीज को ज्यादा नहीं, जो आपका नींव लग रहा है वो चीज को मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा. अगर आपके पास मेरी आवाज के बाद जा रहा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर मेरा आवाज क्लियर है या नहीं, क्योंकि सेकंड वीडियो है, मैं इसको धीरे धीरे सुधार करूंगा. क्योंकि आप लोग जब तक बताइएगा नहीं, फीडबैक नहीं दीजिएगा कि मेरा वीडियो आप लोग का कैसा लग रहा है, आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, या फिर हमने जो टॉपिक से पढ़ा उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मेरे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उसका जवाब आप लोग का आंसर दे सकूं. तो मैथमेटिकल टूल्स इसका जो फिजिक्स का औजार है वो 5 तरह के होते हैं. फर्स्ट में ट्रिगोनोमेट्री, सेकंड अलजेब्रा, थर्ड कैलकुलस. कैलकुलस का 2 पार्ट होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. फोर्थ में वेक्टर, फिफ्थ में ग्राफ. मैं वन बाय वन बताता हूं. ट्रिगोनोमेट्री आप लोग 10th में भी पढ़ा है.
या फिर इलेवेंथ में आएगा तो उस टाइम भी आपको ट्रिगोमेट्री पढ़ाया जाएगा। तो जितना भी आपने टेन में ट्रिगोमेट्री पढ़े हैं वो आपके न्यूमेरिकल के लिए सफिशियंट, उतना ही आप लोग का जरूरी है। लेकिन जिन लोग का मैथमेटिक्स रहेगा वो तो आप फिर से पढ़िएगा, जिन लोग का बायो है वो मैथमेटिक्स ट्रिगोमेट्री और फिर मैथ अच्छा से पढ़ा। फिर आता है जेब्रा। चलो जेब्रा में क्या है, जिसको अपने बीजगणित कहते हैं हिंदी में। अलजेब्रा में जितने भी आपने क्वाड्रेटिक वगैरह ऐसा पढ़े हैं, स्क्वायर स्क्वायर या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब, ये सब का वो सारे अलजेब्रा ही पार्ट में आता है। तो अलजेब्रा को ये लोग को पढ़ना थर्ड में मोस्ट वीवीआई कैलकुलस मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, क्योंकि जब आपने फिजिक्स में जब आपका पढ़ा हुआ पढ़ने के लिए रहेगा तो आपने क्लास मिस कर जाते हैं, और जब मैथमेटिक्स फिजिक्स में जब खत्म हो जाएगा तो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ने लगते हैं। तो जिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल आता है कैलकुलस वाला पार्ट का वो आप लोग से नहीं बन पाता। तो इसीलिए आज मैं सबसे पहले कैलकुलस की बात पर ज्यादा करूंगा, क्योंकि आपने तो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ चुके हैं, जेब्रा भी पढ़ चुके हैं, वेक्टर। इसके बाद जब मैं इलेवेंथ को पढ़ाऊंगा तो यूनिट एंड डायमेंशन के साथ साथ में आपका वेक्टर का भी चलेगा। ग्राफ की बात आता है तो ग्राफ तो मैथमेटिक्स का एक अलग सा बुक है, अगर अच्छे से पढ़ेगा तो प्ले विद ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। प्ले विद ग्राफ इंपॉर्टेंट बट उतना ग्राफ कभी नहीं मैथमेटिकल टूल्स में, जो आपने 10 में पढ़ा ग्राफ वही आपके लिए काफी है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ओरिजिन ये सब आपको अगर पता है तो ग्राफ उतना आपके लिए मैथमेटिक्स में ज्यादा है मैथमेटिकल टूल्स में। फिर भी मैं कोशिश करूंगा सबको वन बाय वन डिस्क्राइब करूंगा। सबसे फर्स्ट पर हम लोग आ जाते हैं मैथमेटिकल टूल्स में, और वो क्या है तो हम लोग आते हैं कैलकुलस में। कैलकुलस वाले पार्ट पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कैलकुलस। कैलकुलस में दो टॉपिक में है, ऐसे तो बहुत सारा पॉइंट आता है कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस आपका 44 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स में भी ज्यादा पढ़ना। लेकिन मैं मैथमेटिकल टूल्स में उतना ही बताऊंगा और एक ऐसा ट्रिक से बताऊंगा ताकि आपके फिजिक्स में कभी भी दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको इजीली वे में सॉल्यूशन हो जाए इसका, उस तरह से हमने आपको बताया। तो कैलकुलस में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलकुलस मेनली टू टाइप्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अभी हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन पर। सबसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन वाले पार्ट पर आते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है डिफरेंशिएशन का आकलन। आकलन बहुत बेसिक बेसिक बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा, ज्यादा टफ या हम लोग टफ से नहीं ले चलेंगे, मैं एक ट्रिकली आप लोग का ले चलूंगा ताकि आप लोग का समझ में आ जाए। डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिफरेंशिएशन और डी फॉर डिक्रीज। डी फॉर डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिक्रीज। व्हाट इज डिक्रीज? डिक्रीज इन पावर। हम लोग को क्या घटाना है? पावर को घटाना। डिक्रीज इन पावर, व्हाट इज पावर? एक्स, एक्स पर पावर कितने हैं? 1। एक्स टू द पावर कितने हैं? 0। एक्स टू द पावर कितने हैं? 3। बट क्वेश्चन इसमें आता है कि सर डिक्रीज इन पावर, तो क्या पावर सभी को एक बार ही घटा देना है?
डिक्रीज इन पावर का मतलब होता है कि पावर डिफरेंशिएशन मतलब डिक्रीजिंग पावर, पावर को घटाना है। कैसे आप लोग समझिएगा सर कि डिफरेंशिएशन कहीं पर अगर लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स तो बोलेंगे साइन ऑफ डिफरेंशिएशन, किसका साइन, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स इट मीन्स द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। डी से डी कितने के माइंड में चल रहा है सर, डी से डी कैंसिल कर देंगे, नहीं, अगर डी से डी आप कैंसिल कर देगा आपके पास क्या बचेगा, वाई बाई एक्स बचेगा, इसलिए कभी भी डी से डी को कैंसिल नहीं करना। किसी के माइंड में चल रहा होगा सर क्या डी एक्स वाई डी वाई नहीं हो सकता है, हो सकता है आपने चेंज कर रहे हैं तो इसको लेकर चलना, बट मोस्टली आपने जितने भी कैलकुलस में पढ़िएगा वो सभी जगह पर आपका रहेगा डी वाई बाई डी एक्स साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। डी वाई बाई डी एक्स व्हाट इज वाई व्हाट इज एक्स, ये आप लोग का मेन समझना। अगर मान लीजिए दिया हुआ है लेट लेट y इक्वल टू fx, लेट y इक्वल टू fx, इसका मतलब है कि y बराबर अगर दिया हुआ है fx तो इसको अरेंज करेंगे d y के जगह fx by dx। लेकिन सर y और x क्या है, तो वेयर x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x जो है इंडिपेंडेंट है और y जो है वो क्या है डिपेंडेंट। तब इसको हम लोग लिखते हैं फिर कि dy by dx इक्वल टू y के जगह क्या करेंगे d fx, y क्या हो जाएगा dx। तो हम लोग तो चले ठीक है y इक्वल टू पढ़ लिया है, लेकिन हमको आपको हमको समझाना है कि प्रॉब्लम कैसे बनेगा वो बताइए सर। इसका तो बहुत सारा मैथ में आपने प्रूफ करेंगे, सर भी प्रूफ करेंगे, लेकिन मेन हम लोग आते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे देंगे। ध्यान दीजिए अगर कभी भी y इक्वल टू x टू द पावर 3 कैसे आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, कैसे आप समझिएगा कि सर डिफरेंशिएशन करना है। तो चाहे तो आपको लिखा रहेगा y इक्वल टू x टू द पावर 3 फाइंड dy by dx या फिर दिया रहेगा dy by dx या फिर डिफरेंशिएशन निकाले। y इक्वल टू x टू द पावर 3 साइन क्या होता था dy by dx, d y की जगह पर क्या है x टू द पावर 3 by dx। अब आप लोगों को माइंड में चल रहा होगा कि सर d से d कैंसिल कर दीजिए x x कैंसिल कर दीजिए, ऐसा रूल नहीं है, कभी भी ऊपर नीचे से हम लोग कैंसिल आउट नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन का रूल है कि जो भी पावर है उस पावर को पहले मल्टीपल में कर दे, जितना पावर दिया उस पावर को मल्टीपल में कर दे, और इसी पावर में एक्स पावर को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 3x टू द पावर 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, अभी बेसिक बेसिक बात है बताएंगे इसका डिफरेंशिएशन का रूल बाय रूल आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग तो समझ जाइए कि डिफरेंशिएशन निकाल दे कैसे। सपोज एग्जांपल दिया हुआ है y इक्वल टू x टू द पावर 7,
फाइंड dy by dx. क्या कीजिएगा, पहले लिखिएगा ना dy by dx equal to d x to the power 7y dx. कभी भी कैंसल आउट इन लोग का d से d या फिर x से x नहीं करना. क्या होता है कि डिफरेंशिएशन का रूल है पावर को घटाना. तो जो पहले पावर है उस पावर को मल्टीपल में ले आए और उसके बाद x टू दी पावर 7 माइनस 1 एक पावर को एक बार में एक ही पावर को घटाना हो जाएगा 7 x टू दी पावर 6. क्यों सर एक बार करता है, तभी तो dy / dx है. डबल डिफरेंशिएशन भी होता है, ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी होता है, लेकिन आपको तो अभी बता रहे हैं सिंगल डिफरेंशिएशन. तो उसमें पावर को कितना घटाना, एक घटाना, dy / dx करना. अगर dy / dx लेकर चलते हैं, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. शायद आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा. अब हम लोग चलते हैं रूल वाइज डिफरेंशिएशन का रूल. इस रूल कैसे हम लोग इसको फॉलो करेंगे. रूल नंबर फर्स्ट पर हम लोग आते हैं. सपोज y इज इक्वल टू x टू द पावर n दिया हुआ है. n का मतलब इंटीजर पावर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफिनिट जो भी दिया. y इज इक्वल टू x टू द पावर n. तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखना dy / dx d y इज इक्वल टू x टू द पावर n by कितना करेंगे dx. हम क्या बताए थे आप लोगों को, जो पावर है उसको मल्टीपल में करिए और जितना पावर है उसमें से एक को घटा दीजिए. क्या आ गया आपके पास. तो कोई अगर आपसे पूछे कि डी एक्स टू द पावर n बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है. और इसी पर बहुत सारे नोटिकल देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा यही था डी एक्स टू द पावर n बाय डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. कितने को माइंड में चल रहा है कि सर एक बार या फिर दोबारा रिपीट कीजिए, एक बार फिर से समझाइए. चलिए फिर से एक बार, हमने पावर ले रहे थे 2 3 4 5, तो ऐसे तो पावर कुछ भी आ सकता है. हमने क्या किया, डायरेक्ट y इक्वल टू x टू दी पावर n मान लिया. n का वैल्यू इंटीजर आप कुछ भी रखिए, 200 300 1 2 3 4 कुछ भी रखिए. इसको निकालना क्या है, dy / dx. नाउ dy / dx y इक्वल टू y की जगह क्या x टू दी पावर है बाय dx. d से d कैंसिल नहीं करना. रूल क्या था कि जो पावर उसको पहले लिख देना और उसी पावर में एक पावर को घटा देना. तो n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1. एग्जांपल में आते हैं. एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सपोज y इक्वल टू x टू दी पावर 6. फाइंड dy / dx. देखिए कैसे बनाएंगे इसको. हम लोग लिखेंगे dy / dx इक्वल टू dy इक्वल टू क्या x टू दी पावर 6 / dx. हमने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन का रूल है, जो पावर है उसको मल्टीपल में लिख दीजिए और जितने पावर उसमें से एक पावर को घटा देना. क्या हो जाएगा 6x टू द पावर 5 आंसर. मेरे अंदाज से आप लोग को समझ में आ गया होगा रूल नंबर 1. इसी तरह से बहुत सारा आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आते हैं रूल नंबर सेकंड पर.
rule number second. रूल नंबर सेकंड, सपोज आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 बाय h टू द पावर n, इसका मतलब है किस चीज में है, अरे 1 बाय रेशियो में है, 1 बाय h टू द पावर n क्यूब है, क्या x इज इक्वल टू हम लोग 0 कर देंगे तो कभी नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर कहेगा नहीं, y equal to 1 by h to the power n, where n integer, कुछ भी पावर हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितना भी आप लिख सकते हैं, इसका निकालना है dy by dx, dy by dx, लेकिन अभी तो ये रेशियो है, तो आपके पास दो मेथड, पहले आप लोग क्या कीजिए कि जो पावर नीचे है पॉजिटिव में, अगर इसको ऊपर भेजते हैं तो क्या में चला जाएगा, नेगेटिव में, अब अगर ऊपर पॉजिटिव में रहेगा अगर उसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई एक्स टू दी पावर माइनस एल, वाई एक्स टू दी पावर माइनस एल, फाइंड करना है डी वाई वाई डी एक्स, d y equal to x to the power minus n by dx, रूल क्या था, जो पावर उसको पहले मल्टीपल में लाइए, पावर कितना है माइनस n x to the power माइनस n माइनस वन, माइनस n माइनस वन हो गया डिफरेंशिएशन, लेकिन इसको अरेंज करते हैं, ऊपर देखिए क्या है माइनस में, हम क्या बोले थे कि जो नीचे माइनस में है अति प्लस में है उसको ऊपर करेंगे माइनस में, जो ऊपर प्लस में रहेगा उसको नीचे करेंगे तो माइनस में, अपोज, तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं माइनस एन, ए क्या है तो इसको लोग नीचे लाएंगे तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन हो जाएगा, लेकिन यहां पर लिखना है वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और एक किसका फॉर्मूला आ गया डी वन बाय एक्स टू दी पावर एन बाय डी एक्स का, अगर आपसे कोई भी फॉर्मूला पूछे कि डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स टू दी पावर एन का, तो माइनस है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स कभी भी जीरो नहीं कर सकते, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, देखिए फॉर्मूला कहां पर सेवन में आपका लिखा हुआ, इसी तरह से इसको तो हम लोग बना दिए, इस पर न्यूमेरिकल चलते हैं, न्यूमेरिकल इस पर कैसे बनेगा क्योंकि बिना न्यूमेरिकल को आपको समझ में नहीं आएगा, साथ साथ में आप लोग चाहते हैं कि उतारते चले तो आप साथ साथ में इसको उतार उतार कर भी बना सकते हैं, जब तक हम समझा रहे हैं आपको इसको समझते जाइए उतारते जाइए, आते हैं इसका एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देखें, वाई इक्वल टू वन बाई एक्स टू दी पावर कितना है टू, वाई इक्वल टू वन बाई एक्स टू दी पावर टू, आप लोग पहले क्या कीजिए y इक्वल टू x टू दी पावर माइनस टू, क्योंकि नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, इसको डिफरेंशिएट कीजिए dy by dx पावर कितना माइनस टू इंटू x टू दी पावर माइनस टू माइनस वन, क्या हो जाएगा माइनस टू वाई एक्स टू दी पावर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, नीचे लाएंगे थ्री, अभी आंसर इसी तरह से आप लोग बहुत सारे बना सकते हैं। रूल नंबर
थर्ड पर आते हैं, रूल नंबर थर्ड। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप कमेंट्स में देख सकते हैं अगर ज्यादा तेजी से चल रहे हैं या फिर आपको उतारना है तो आप मैसेज मुझे भेज सकते हैं कि सर थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे तो समझाना आप लोग समझते चलना। रूल नंबर हम लोग थर्ड में आते हैं। रूल नंबर थर्ड है, सपोज y इक्वल टू c, व्हाट इज c, वेयर c इज कांस्टेंट। c क्या कांस्टेंट, इंटीजर काउंट, जैसे c के जगह पर 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तब इसका क्या होगा। तो कितना लोग तो क्या करते हैं कि फॉर्मूला उलट जाते हैं कि सर c कांस्टेंट टर्म है, शायद कहीं पर लिखोगे तो कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाता है, जीरो। तो हम लोग को रटना नहीं है, आपको तो रूल बाय रूल आना ना, रटने की क्या जरूरी है, हम तो आपको बताते हैं। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका होता है फॉर्मूला डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सब लोग क्या कीजिएगा, रट जाइएगा, नहीं देखिए प्रूफ करते हैं। एग्जाम्पल में अगर y इक्वल टू दिया हुआ है 1, y इक्वल टू 1, प्रूफ करना कि सर कैसे कांस्टेंट का जीरो होता है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये नहीं कि 1 ले लिए, आप 100, 2000 जितना लेना ले लीजिए, सबका क्या आएगा, जीरो ही आएगा। कैसे सर, देखिए y इक्वल टू 1, क्या आप लोग जानते हैं कि x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, x पर पावर 0 का क्या होता है 1, इसका मतलब आप लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू x टू द पावर क्या हो जाएगा 0, 1 के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x टू द पावर 0। अब इसी का तो डिफरेंशिएट करना है, क्या निकालना है, dy / dx d x टू द पावर 0 y क्या हो जाएगा dx। अगर x टू द पावर 0 / dx इसको सब्स्टिट्यूट करते पावर कितना है 0, तो 0 इनटू x टू द पावर 0 माइनस 1। जब 0 ही मल्टीपल में आ गया तो ऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कोई प्रॉब्लम। फिर से एक बार देखिए, कांस्टेंट टर्म हम लोग कितना ले हुआ इक्वल टू 1, आप लोग क्या जानते हैं x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना दिया हुआ x टू द पावर 0 1 के जगह रख सकते हैं, dy / dx निकालना है, t x टू द पावर 0 y कितना है dx। इसका रूल क्या होता है, जो पावर उसको पहले मल्टीपल में ला दीजिए 0 मल्टीपल में, x टू द पावर 0 - 1, तो जब 0 ये मल्टीपल में तो इसके साथ किसी को भी मल्टीपल कीजिए क्या होगा 0। जैसे आप किसी कोई कह रहा है सर 2 4 5 को आप लेकर बताइए, चलिए कोई बात नहीं, वही बता देते हैं। अगर मान लीजिए y इक्वल टू दिया हुआ है 2, वेयर 2 इज कांस्टेंट, ये तो ऐसे भी हम लोग जानते, कैसे बनाएंगे सर इसका, चलिए y इक्वल टू अगर 2 दिया हुआ है, 2 के साथ 1 मल्टीपल करेंगे तो 21 नहीं तो होगा, अगर y इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 कितना होगा, 21 नहीं होगा, कितना होगा 2 होगा हम लोग लेकिन जानते हैं, बट x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1 को मल्टीपल करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कर सकते हैं y इक्वल टू 2 इंटू 1 के जगह पर x टू द पावर 0 हो गया। हाय, अब देखिए ये रूल नंबर 4 अभी बता दें, चलिए यहीं पर आपको बता देना, तो इसको निकाल सकते हैं dy / dx इक्वल टू 2, तो पहले से चलिए छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा d
एक्स टू दी पावर जीरो बाई डी एक्स। पहले से टू मल्टीपल में, लेकिन आपका रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, जो पावर उसको मल्टीपल में, एक्स टू दी पावर जीरो माइनस वन, तो टू इंटू जीरो, तो टू इंटू जीरो ट्वेंटी तो नहीं होगा, टू इंटू जीरो जीरो, और जब ए जीरो तो ऑल वैल्यू क्या हो गया जीरो। हायर टू इंटू जीरो जीरो और जीरो ही था जीरो, ऑल वैल्यू आर जीरो। कोई प्रॉब्लम मेरे अंदाज से नहीं प्रॉब्लम आना चाहिए। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर फोर, अगर मान लीजिए y इक्वल टू दिया हुआ है c इंटू u, y इक्वल टू c इंटू u, वेयर c इज कॉन्स्टेंट एंड u आर u इज डिफरेंशियबल फंक्शन। c है जो कॉन्स्टेंट, u है जो क्या है डिफरेंशियल फंक्शन। कैसे इसको लिखेगा, y इक्वल टू c इंटू u, पहले लिखेंगे dy बाय dx, जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर छोड़ दीजिए और d को फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी इक्वल टू सी इंटू डी वाई डी एक्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वाई इक्वल टू, जैसे अभी का एग्जाम्पल था टू इंटू एक्स टू दी पावर वन, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी ए टू को छोड़ दीजिए, एक्स टू दी पावर वन बाय डी एक्स। रूल क्या होता है, जो पावर मल्टीपल में टू इंटू वन, एक्स टू दी पावर वन माइनस वन, क्या हो जाएगा टू इंटू वन टू, एक्स टू दी पावर वन माइनस वन जीरो। तो क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर जीरो इक्वल टू वन, इसका मतलब आंसर कितना आ गया टू आ गया। कोई दिक्कत, उसी तरह से नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए y इक्वल टू दिया हुआ सिक्स एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे dy बाय, आपको क्या देगा फाइंड dy बाय, फाइंड dy बाय dx, क्या कीजिएगा dy बाय dx इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट है उसको छोड़ दीजिए d, x टू दी पावर टू बाई डी एक्स। माइंड में तो याद नहीं कि x x कैंसिल हो जाएगा, नहीं ऐसा रूल नहीं, क्या है सिक्स पहले से मल्टीप्लाई में, जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में लाएंगे, x टू दी पावर टू माइनस वन कर देंगे, क्या हो जाएगा ट्वेल्व x टू दी पावर वन, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, रूल नंबर कितना हो गया फोर। रूल नंबर फाइव में आता है, रूल नंबर फाइव अगर बोले आपको y इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट एक्स, y इक्वल टू अंडर रूट x, आप कैसे इसको बनाएगा, फॉर्मूला में दिया हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला है याद रखेगा, हम बता रहे हैं आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू x टू दी पावर वन बाय टू, हाँ जी ना, रूट है, रूट को तो भेज सकते हैं ना पावर में, रूट का हाफ होता है,
क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर कितना है इसका, पहले इसको लिख दीजिए एक्स टू दी पावर वन बाय टू बाय क्या हो जाएगा डी एक्स, आप लोग लिख सकते हैं वन बाय टू इंटू वन बाय टू माइनस वन। अब आप ही बताइए वन बाय टू माइनस वन कितना हो जाएगा, दीजिए एलसीएम हो जाएगा टू हो जाएगा वन टू तो कितना रहेगा माइनस वन बाय टू, तो यहां पर कितना जाएगा वन बाय टू इंटू एक्स टू दी पावर माइनस वन बाय टू। ये माइनस में इसको नीचे ला सकते हैं वन बाय टू एक्स टू दी पावर वन बाय टू, इसको हम लोग और अरेंज कर सकते हैं, ये आंसर यहां तक भी आंसर सही है। और आगे चलते हैं वन बाय टू जो हाफ है उसको अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय टू रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स, देखिए आपके सामने प्रूफ कर दिया, कोई दिक्कत? अगर फिर से समझना समझ ली वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ अंडर रूट एक्स, y इक्वल टू कितना करेंगे इसको हाँ इसको करेंगे dy by dx निकालेंगे ना dy by dx ये y इक्वल टू x पे पावर हाँ वन बाय टू इंटू एक्स टू दी पावर वन बाय टू माइनस वन, कितना है वन बाय टू इसको घटाएंगे माइनस वन बाय टू, इसको ऊपर से नीचे लाएंगे प्लस में वन बाय टू एक्स टू दी पावर वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू को क्या कर देंगे अंडर रूट एक्स आंसर। कोई प्रॉब्लम? रूल नंबर सिक्स, रूल नंबर सिक्स, रूल नंबर सिक्स में कह रहा है वाई इक्वल टू अगर आपको दिया गया वन वाई अंडर रूट एक्स, y इक्वल टू वन वाई अंडर रूट एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं बहुत इजी वे, आप इसको लिखिएगा y इक्वल टू को वन वाई एक्स टू दी पावर कितना जाएगा वन बाय टू रूट है इसको हाफ कर दीजिए, अगर इसको आप हाफ कर रहे हैं इसका मतलब इसको फिर आप क्या करेंगे नीचे पॉजिटिव ऊपर जाएगा नेगेटिव, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस वन बाय टू, कोई प्रॉब्लम? क्या करना है डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन कीजिए तो लिखिएगा नाउ dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स टू दी पावर माइनस वन बाय टू बाय डी एक्स, जो पावर है उसको क्या करना है मल्टीपल, तो माइनस वन बाय टू इंटू जो पावर वन बाय टू है उसमें एक पावर को घटा देना, साइड में करके देख लेते हैं माइनस वन बाय टू माइनस वन एलसीएम लेते हैं टू माइनस वन माइनस टू माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री बाय टू, अब यहां पर क्या हो जाएगा माइनस वन बाय टू एक्स टू दी पावर माइनस थ्री बाय टू, ऊपर की चीज में पॉजिटिव नेगेटिव इसको नीचे लाएंगे माइनस वन टू एक्स टू दी पावर थ्री बाय टू, किसका आंसर हो गया अंडर रूट एक्स का, ध्यान से देख लीजिए उतारना है उतार सकते हैं, या फिर से हम बता देते हैं उतारने की जरूरत क्या है, देखिए y इक्वल टू वन वाई अंडर रूट एक्स, y इक्वल टू इसको क्या करेंगे रूट हटाएंगे वन वाई एक्स टू पावर वन बाई टू, इसको नीचे प्रोजेक्टिंग ऊपर ले देंगे y इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई टू डी वाई बाई डी एक्स
नॉट डी एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू। इसको आप लोग क्या कीजिए कि जो पावर में है उसको मल्टीपल में लाइए, माइनस वन बाई टू इन टू एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन, इट मीन्स दैट वन बाई टू एक्स टू दी पावर इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, क्या आएगा माइनस थ्री बाई टू, ऊपर नेगेटिव नीचे लाएंगे पॉजिटिव, उतारना है आप लोग उतार सकते हैं, नहीं तो फिर आगे हम बढ़ें। चलते हैं आगे, रूल नंबर सिक्स हो गया आपका, कोई बात नहीं। देखिए रूल नंबर सेवन में क्या करते हैं, अब आपको इतना सारे रूल बताए हैं, इंडिविजुअल रूल बता रहे थे सबको, अलग अलग रूल बता रहे थे, अब सभी रूल को हम क्या करेंगे सम करेंगे। जैसे अगर आपके पास दिया रहे रूल नंबर सेवन में y इक्वल टू यू प्लस माइनस v प्लस माइनस w डॉट 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 वेयर यू वी यू वी w आर डिफरेंशियबल फंक्शन, सबको डिफरेंशिएट करना है रूल बाय रूल में, चाहे वो प्लस में रहे या फिर वो माइनस में रहे। कैसे इसका फॉर्मूला होगा सर, चाहे तो आप लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाय डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाय डी एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट, ये भी आप लिख सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कीजिए कि डायरेक्ट लिखिए डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी प्लस माइनस बी डब्ल्यू डॉट 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 वाई क्या हो जाएगा डी एक्स, आप ये भी लिख सकते हैं, शायद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर उतारना है आप उतार सकते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे दिया रहेगा, मतलब इस पर क्वेश्चन वगैरह कैसे आएगा न्यूमेरिकल के बिना। चलिए देखिए अभी हम बात कर रहे हैं रूल नंबर सेकंड, आई आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है y इक्वल टू इजी से चलते x स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, y इक्वल टू x स्क्वायर टू 2x प्लस कैसे सॉल्यूशन करें, बोल दे फाइंड dy by dx, हम लिखेंगे नाउ dy by dx d x स्क्वायर 2x प्लस 1 by dx। आप कुछ याद कीजिए, क्या x टू द पावर वाला भी रूल बताएं, मल्टीपल वाला भी रूल बताएं, कांस्टेंट वाला भी रूल बताएं, अब सभी रूल को एक साथ में ऐड कर रहे हैं, क्या करेंगे एक्स टू दी पावर कितना है टू, पहले मल्टीपल में टू इंटू टू पर पावर माइनस वन, टू
टू इंटू वन एक्स टू दी पावर वन माइनस वन, और कॉन्स्टेंट टर्म का क्या होता है जीरो। जिसको मन में याद रखना है मन में याद रख के भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इस तरह से भी करिए। क्या आ जाएगा, टू एक्स टू दी पावर वन, टू एक्स टू दी पावर वन माइनस वन जीरो। हम लोग जानते हैं x टू दी पावर जीरो इक्वल टू वन, टू एक्स प्लस टू आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, उतारना उतार सकते हैं, इसके बाद आगे हम बताते चलेंगे इसको। इसी तरह से थोड़ा भास्ट भास्ट में भी चलेंगे, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन इसी का, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन वाई रूट एक्स प्लस एक्स क्यूब, इसको कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा? बहुत ईजी, पहले इसको अरेंज कर लीजिए सबको अच्छे से, तो रूट का हो जाएगा कितना x टू दी पावर वन बाय टू, इसका हो जाएगा x टू दी पावर वन बाय टू x पर पावर थ्री, y इक्वल टू x टू दी पावर वन बाय टू, ऊपर ले जाएंगे x टू दी पावर माइनस वन बाय टू x टू दी पावर थ्री। करिए डिफरेंशिएशन, डी वाई बाय डी एक्स, डी एक्स टू दी पावर वन बाय टू एक्स टू दी पावर माइनस वन बाय टू एक्स टू दी पावर थ्री बाय डी एक्स। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को फॉर्मूला अगर याद है कि रूट 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 एक्स का ये होता है और वन बाय रूट एक्स, वन बाय रूट एक्स इसमें नहीं बताए हम बताए, तो आपने क्या कर सकते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वन बाय टू एक्स टू दी पावर थ्री बाय टू होता है। हम लोग लिख सकते हैं इसका वन बाय टू रूट एक्स प्लस, इसका हो जाएगा माइनस वन बाय टू एक्स टू दी पावर थ्री बाय टू, इसका हो जाएगा थ्री एक्स टू दी पावर, आंसर डायरेक्ट इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, उतारना उतार सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा था ये, इस पर ज्यादा देगा आप लोग। अगर मान लीजिए नेक्स्ट है y इक्वल टू, अगर आपको दिया रहे हैं टी स्क्वायर टू टी प्लस वन, किसके रिप्लेस में t के जगह पर है और यहां पर कर दे x की जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिख सकते हैं डी वाई वाई डी टी, टी के टर्म में चले हो जाएगा डी टी स्क्वायर टू टी प्लस वन, वाई क्या हो जाएगा डी टी, लिखेंगे डी टी, इसको तो लिखना नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं टू टी पर पावर टू माइनस वन, टू इंटू वन टी पर पावर वन माइनस वन इसका जीरो, टू टी प्लस टू टी पर पावर जीरो इक्वल टू वन इंटू टू हो जाएगा इसका जीरो आंसर। फिर से क्वेश्चन आ गया, वाई इक्वल टू लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, करना क्या है डिफरेंशिएट करना, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। अगर यहाँ एक्स का होता तो यहाँ एक्स, यहाँ बी तो यहाँ बी, जो रहेगा उसके टर्म में चलेंगे, तो टी टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन बाई क्या है डी टी। हम लोग करेंगे टू टी पर पावर टू माइनस वन प्लस टू इंटू पावर वन, तो मल्टीपल में टी पर पावर वन माइनस वन कॉन्स्टेंट टर्म का जीरो, टू टी पर पावर टू माइनस वन वन, टी पर पावर वन पॉजिटिव में छुपा हुआ है,
टी पर पावर 1 1 माइनस 1 0 और टी पर पावर 0 x का पावर 0 इक्वल टू 1 तो टी पर पावर 0 इक्वल टू भी 1 और 2 into 1 तो 0 को हटा दिए। कोई प्रॉब्लम मेरे आप लोग का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट 7 था 8 में चले हैं। रूल नंबर 8 को यहां से देखिए, तीन रूल है और ये तीनों रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, डिवाइडर रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवाइडर रूल और एक होता है चेन रूल। प्रोडक्ट रूल, डिवाइडर रूल और चेन रूल। तो सबसे पहले में आते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल में। अगर y इक्वल टू दिया हुआ है u इंटू वी, y इक्वल टू u इंटू वी, क्या है सर u और v? वेयर u एंड v आर डिफरेंशियल फंक्शन या वेरिएबल। इसको कैसे अरेंज करेंगे ध्यान से सुनिएगा। डी वाई बाय डी एक्स यू इंटू वी है ना। मान लीजिए आपके पास दो दोस्त है, यू उपेंद्र वी विनोद। आप दोनों को एक, आपके साथ कंडीशन है कि दोनों को एक साथ में नहीं ले जा सकते, तो आप क्या कीजिएगा, एक को छोड़िएगा दूसरे को ले चलिएगा, फिर दूसरे को अगर छोड़िएगा तो पहले वाले को ले चलिएगा। यही रूल यहां, यू को छोड़ दो और वी को क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है। फिर v को छोड़ दो आई u को डिफरेंशिएट करना। मैं भी सबको समझ में आ गया, उतार लो फिर इसको हम समझाते हैं। देखो y इक्वल टू u इंटू v, y इक्वल टू u इंटू v, वेयर u एंड v आर डिफरेंशियल फंक्शन। डिफरेंसिबल है डी वाई बाई डी एक्स, पहले वाले को छोड़ देना है और दूसरे को डिफरेंशिएट करना। डॉट मतलब कि मल्टीपल प्लस साइन, फिर दूसरे वाले को छोड़ना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट करना। बात समझ में आ गई? जैसे देखिए क्वेश्चन इस पर, अगर मान लीजिए एग्जांपल हम देते हैं आप लोग का, x स्क्वायर इंटू साइंस क्या है, x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। आप क्या कीजिए, इसको आप लोग u मान लीजिए, इसको क्या मानेंगे, v मान लेंगे। u और v पर देखिए, अगर ये चीज नहीं रहता मल्टीपल तो आप कुछ बदल सकते हैं, लेकिन ये दोनों का दो फंक्शन, x स्क्वायर अलग sin x अलग। इसको किस पर अरेंज करेंगे, इस फॉर्मूला पर कर दो। कैसे अरेंज करोगे, dy / dx पहले क्या करना है, u वाले को छोड़ देना, छोड़ दीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट कीजिए y dx प्लस पहले को छोड़ देना sin x, दूसरे को डिफरेंशिएट करना x स्क्वायर / dx।
रूल अपना लिया, क्या इस स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस पर डी बाई डी एक्स लगा हुआ नहीं है, इस पर कुछ नहीं साइन है, ज्यों के तो इसको छोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आने देगा। अब देखिए आपके सामने बहुत सारा फॉर्मूला लिखा हुआ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम रह जाएगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वन वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर कॉस रहता तो कॉस इनवर्स का हो जाएगा, जो प्लस में है सिर्फ यहां माइनस में कर दीजिएगा। नेक्स्ट tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x square, अगर यहां रहता cot इनवर्स तो यहां पर माइनस लगा दीजिए सिर्फ, बस। sec इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 by x in under root x square minus 1, अगर रहता sec के जगह पर cos तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? माइनस लगा दें। अब देखिए यहां पर आइए, एक्स स्क्वायर पर कोई डी बाई डी एक्स नहीं है, छोड़ देंगे, साइन का है, साइन का क्या होता है? कॉस एक्स प्लस। अब देखिए साइन पर भी नहीं है, जैसे उसको वैसे है छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर का क्या हुआ? टू मल्टीपल पावर आएगा, घटेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा 2x। आप लोग करके देख सकते हैं ये आंसर, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू टू एक्स, ये आंसर हो गया, उतार सकते हैं। बहुत सारे इस पर न्यूमेरिकल ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, इतना क्वेश्चन तो आप लोग किसी भी बुक में या कहीं भी दिया हुआ मैथमेटिक्स में ही दिया हुआ है। और हम बताना चाहते हैं कि जितना फॉर्मूला अभी आपके पास लिखे हुए हैं, अगर इतना फॉर्मूला आपको याद है तो जिन लोग का मैथमेटिक्स लीजिएगा या मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो उन लोगों मैक्सिमम इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, और जो ऑब्जेक्टिव आपके पास आएगा वो डायरेक्ट इसी फॉर्मूला पर है। 44 नंबर का कैलकुलस आता है, समझ जाएगा, अगर आपको इतना याद है तो मैथमेटिक्स में कैलकुलस आपका बहुत ईजी रहेगा। चलिए इसी पर आते हैं, इसको क्या करते हैं, बातें इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या साइन को यू मान सकते हैं? क्या कॉस को भी मान सकते हैं? क्या ये फिर लग रहा है आपको कि यू इंटू वी पर चला गया सर? फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि पहले वाले को छोड़ देंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को छोड़ देंगे पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, और जो पल्स मल्टीपल है तो साइन क्या होगा? प्लस होगा। जैसे देखिए हम लोग निकालेंगे डी वाई वाई dx, find differential function, क्या करेगा d, ये तो sin है, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, हाँ है ना, तो हो जाएगा sin x d cos x by dx plus d, इसको छोड़ देना cos x को छोड़ दीजिए, d sin x by dx। थोड़ी sin का तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी डिफरेंशिएट का रूल नहीं है। cos d cos x by dx देखिए क्या लिखा है, माइनस sin x प्लस cos cos ही रह जाएगा,
साइन का क्या होता है कॉसेक्स, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ऐसा तो रूल आता नहीं, एक मिनट में लेकर चले, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है वन भी होता है, हाँ है ना, कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग कुछ भी फॉर्मूला यहां पर बैठा सकते हैं। एक और इस पर एक न्यूमेरिकल लेकर चलते हैं फॉर्मूला, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है इसमें। सपोज मान लीजिए दिया हुआ है y इक्वल टू टैन एक्स इंटू ई पर पावर x, टैन एक्स इंटू ई पर पावर x एक्सपोनेंशियल केस में हमें निकाल फाइंड डीवाई बाय डी एक्स, फाइंड डीवाई बाय डी एक्स क्या करेंगे, डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू यू इंटू वी, पहले को छोड़ दीजिए दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए प्लस का साइन, दूसरे को छोड़ दीजिए पहले को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बाय डीएक्स कर देंगे। अब देखिए टेन है टेन एक्स एक्सपोनेंशियल देखिए सेम आता है ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स कोई भी एक पर पावर एक्स से लिख देंगे, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या इसमें से ई पर पावर एक्स को हम लोग बाहर निकाल देते हैं हो जाएगा टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, कोई प्रॉब्लम। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप इस पर बना सकते हैं, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। रूल नंबर 9 पे आते हैं, रूल नंबर 9 में अगर दिया हुआ है जिसको बोलते हैं डिवाइडर, वो तो प्रोडक्ट रूल था ना, अगले चलेंगे डिवाइडर रूल। डिवाइडर मतलब कि UIV जो रहेगा वो डिवाइड में रहेगा, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू दिया हुआ UIV, U and V है डिफरेंशियल फंक्शन, U and V वेयर U and V डिफरेंशियबल फंक्शन, अब हम लोग को क्या निकालना है डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए थोड़ा सा अच्छा है, पहले क्या कीजिए कि अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखना है तो देखिए टेंशन है बाबा, वी को छोड़ देता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, वी को छोड़ दीजिए U को डिफरेंशिएट कीजिए डिवाइडर में माइनस U को छोड़ दीजिए V को डिफरेंशिएट कीजिए और सभी के बाई में V का स्क्वायर करना है, क्या करना है V का स्क्वायर करना है। फिर से एक बार देखिए Y इक्वल टू दिया रहेगा वही Y भी Y इक्वल टू यू आई V, तो इसको यू आर वी क्या है डिफरेंशियबल फंक्शन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डी वाई बाय डी एक्स अगर निकालेंगे V पहले V को छोड़ देना न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म में है देख लो V को छोड़ देंगे डी वी वाई क्या लिखेंगे डी एक्स डिवाइड में माइनस में नेक्स्ट U को छोड़ देंगे और डी वी वाई dx by करें v का स्क्वायर उतार लो, उसके बाद एक न्यूमेरिकल इस अति फॉर्मूला इस पर चलते हैं, फिर क्वेश्चन बहुत सारे इस फॉर्मूला पर बनाएं।
चलिए रहने देते हैं, सिंपल करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है y इक्वल टू साइन x y cos x, y इक्वल टू साइन x बाय cos x। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, dy by dx इक्वल टू साइन को छोड़ दीजिए, छोड़ दिए सॉरी सॉरी सर नीचे वाले पार्ट को कॉस को छोड़ दिए, छोड़ दिए d sin x by dx माइनस, फिर क्या करना है, अब ये कॉस को छोड़ साइन को छोड़ दीजिए, d cos x y dx y क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, मतलब cos x का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x। अब आप लोग देखिए फिर से एक बार देखिए, v को छोड़ दीजिए, v के जगह क्या है cos, cos को छोड़ दिए sin by dx, फिर sin को छोड़ दिए cos by dx by cos का स्क्वायर। देखिए इसको तो कोई चेंज नहीं होगा, cos x इनटू sin का देखिए क्या होता है cos x माइनस sin का sin हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस sin, माइनस sin x y क्या कर रहे हैं cos स्क्वायर x कर रहे हैं, cos इनटू cos cos स्क्वायर x माइनस माइनस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। और इसको बना सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये भी आंसर सही है, 1 by cos square x, 1 by cos square x equal to क्या हो जाएगा sec square x, इसका आगे भी हम लोग बना सकते हैं। इसी तरह से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इस पर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और इस पर एक और क्वेश्चन बनाते हैं, बोलिए अगर बोलिएगा तो हम इस पर और एक आधे क्वेश्चन बना देंगे डिवाइड लगाना। चलिए देखते हैं, ऐसा करते हैं कि एग्जांपल y इक्वल टू दिया रहे हैं x स्क्वायर y cos x, सपोज x स्क्वायर y cos x है ना, इसको क्या करना है dy by dx cos x x स्क्वायर by dx माइनस x स्क्वायर d cos x y dx और बाहर में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x, cos x है इसको छोड़ दीजिए, x स्क्वायर का 2x x स्क्वायर cos x by cos स्क्वायर x। मुझे लग रहा है यहां से cos को कॉमन ले लिया, cos x 2x minus x square by cos square x क्या हो जाएगा 2x minus x square cos x। और इसका अगर करते हैं तो और लेकर चलेंगे,
एक और इस प्रश्न में आ जाता है। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है साइन एक्स वाई एक्स, इसको अरेंज कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को छोड़ दीजिए, साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। एक्स साइन का देख लीजिए क्या होता है, साइन का कॉस, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डी एक्स वाई डी एक्स देखिए क्या है, वन इंटू वन, वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वाई एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें लास्ट रूल है, इसमें चेन रूल भी है, अगर आप लोग बोलिएगा तो चेन रूल को भी हम बता देंगे, समझ रहे हैं। चलिए उसको भी खत्म ही करते हैं चेन रूल को भी। आई होप आप लोगों को सारा चीज समझ में आ रहा हो। लास्ट चैन रूल, चैन का मतलब क्या होता है, कड़े एक से एक को जोड़कर रखते हैं। अगर हम बात करें क्या ये चैन है, तो आप लोग बोलेगा सर नहीं, क्योंकि बीच में गए। हम बोले क्या ये चैन है, आप लोग बोलिएगा हाँ, ए इससे जुड़ा हुआ, 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 है ना, है ना। तो चैन रूल का देखो फॉर्मूला जो होता है उससे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोगों का शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट नहीं हम इसको समझा कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी इंटू डी यू बाई डी एक्स, देख लीजिए वाई डी यू वाई बाई डी एक्स डी यू बाई डी इंटू डी वाई डी, देखिए कैंसिल होगा तो फिर क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल एक छोटा सा देखिए, वाई इक्वल टू अगर हम लिख दें साइन एक्स कॉस एक्स, तो आप क्या बोलिएगा सर दोनों तो अलग अलग है और ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। हम अगर लिखें आपको साइन एक्स की जगह क्या लिखते हैं कॉस एक्स, साइन और जहां एक्स होना चाहिए वहां पर क्या आ गया कॉस एक्स, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। इसका सॉल्यूशन कैसे करें, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स डी पहले साइन एक्स तो लिखना ही लिखना है, कॉस एक्स पाई नीचे डी एक्स लिखा था लेकिन एक्स की जगह पर क्या है कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स वाई डी एक्स। अगर तीन रहता तो तीन टर्म में जाते, चार रहता चार टर्म में जाते, पांच रहता पांच टर्म में जाते, क्या हो जाएगा आंसर, साइन का क्या होता है कॉस, तो लिखेंगे कॉस एक्स ने लिखे एक्स की जगह क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स।
शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर, अभी दो लगा तीन का भी लेकर चलते हैं, उसको भी बना देते हैं। y इक्वल टू क्या लिखे हैं, sin होना चाहिए x, x के साथ में तो क्या लिख जुड़ा हुआ, x की जगह क्या cos x, और cos का जो x है वो लास्ट हो गया। अगर यहां पर भी एक और रहता तो एक तीसरा टर्म में ले जाता है, तो इसको कैसे करेंगे, डिवाइड बाय dx, d sin x की जगह cos x बाय dx x की जगह cos x, क्योंकि sin x की जगह cos x, यहां पर x cos x into d cos x, तो x तो इसका लास्ट हो गया, हाँ है ना। अब देखिए sin को चेंज करेंगे, x तो इसके साथ है ना, तो cos को नहीं चेंज करेंगे, sin का जो x है वो cos x बन गया, तो sin का cos जैसे वैसे उतार दें, cos का माइनस sin। एक और इसी पर बताते हैं, अगर मान लीजिए y बराबर दिया हुआ है, cos sin tan x कितने जुड़े हुए, तीन, cos sin tan x तीन टर्म अरेंज कीजिए, dy by dx क्या लिखेंगे, dy by dx d cos sin tan x by d x, ये तो पूरे इसके लिए x हो गया दोनों, sin tan x इनटू करेंगे d sin tan x by d tan x d tan x by dx लास्ट हो गया। एक दो तीन कितने टर्म हुआ, एक दो तीन, हाँ या ना। देखिए इसको कैसे होता है, cos का क्या होता है माइनस sin, माइनस sin sin tan x into sin का cos, cos tan x, tan का क्या होता है sec square x, ये इसका आंसर हो गया। उतार सकते हैं हम लोग, अब देखिए थोड़ा सा हम फॉर्मूला को फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम रूल इसका हम कर दिया है, आप बार बार उसको मेरा वीडियो को देखिए और उससे आप रिपीट कीजिए, क्वेश्चन कहीं मिले उससे क्वेश्चन बताइए, अगर आपको नहीं कहीं पर कहीं डाउट आता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफरेंशिएशन फिर से एक बार बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन का एक मेन फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फंक्शन, मतलब फॉर्मूला उसका दिया हुआ, फर्स्ट फॉर्मूला वन बाय वन आते कैसे याद रखेंगे सर, अगर कोई बोले x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इनटू x टू द पावर n माइनस 1, कोई बोले सर dx बाय dx का क्या हुआ 1, कांस्टेंट का क्या हुआ सर 0, so log e पर पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल, log x का क्या होता है 1 by x, root x का क्या होता है 1 by 2 root x, 1 by x का क्या होता है सर minus 1 by x square, 1 by x to the power n का क्या होता है सर minus n x to the power n plus 1, where x not equal to 0। अब trigonometric function में देखें, कोई अगर आपसे पूछे या फिर आप 11th में है तो पक्का है क्वेश्चन तो बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोग आएगा ही आएगा, इसलिए कि सर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
क्या याद रखना है, cos x। सर cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x। cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का क्या होता है, sec x into tan x। cosec x का क्या होता है, माइनस cosec x into cot x। e पर पावर x एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, सेम रहता है। साइन इनवर्स फंक्शन का आप लोग पढ़िएगा ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स फंक्शन कैलकुलस में भी ज्यादा पड़ेगा। साइन इनवर्स x का 1 by अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कॉस इनवर्स x, कुछ नहीं करना, बस यहां पर माइनस लगा। टैन इनवर्स x 1 by 1 प्लस x स्क्वायर। अगर कोई आपसे पूछे कॉट इनवर्स x, इसमें सिर्फ माइनस लगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम फॉर्मूला, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, और इस फॉर्मूला से आप पूरे का पूरे रिपीट कर सकते हैं।